Hi all, welcome to this another video session on ASP.NET MVC .NET framework series. So हम लोगों ने पिछले sessions में filters से काम किए थे, तो almost every filters काम कर लिए, थोड़ा बहुत बाकी है, colors का बाकी है और tags का बाकी है. तो आज का video एक छोटा सा short video होगा कि CK editor को कैसे मैं update करूँ. हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे CK editor का 4th edition, जो पुराना है, हम लोगों को update करना है latest version में. तो मैं CK editor के ऑफिशियल साइट में जाऊंगा, तो ये यहाँ पे मेरे को CK editor डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉलेशन में आप कोई स्टार्ट वाले में जाएंगे ना, तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है लोगों ने क्लासिक एडिटर का. इनलाइन एडिटर भी है, बाकी एडिटर भी है, मुझे क्लासिक एडिटर पसंद रहे तो मैं इस्तेमाल करूँगा क्लासिक एडिटर. मेरा साइट ऑलरेडी रनिंग है, तो उसको मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, लॉग इन कर देता हूँ. ठीक है, लॉग इन फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा एक गड़बड़ मेरे को क्या लग रहा है, यहाँ पे लोडर नहीं है. लोडर पे काम करेंगे, लेटर ऑन काम करेंगे अभी तो ये. ठीक है, और थोड़ा सा टाइम दे रहा है, और वैलिडेशन भी आई थिंक हम लोगों ने वैलिडेशन ठीक से नहीं डाला है. वैलिडेशन में कुछ अगर पासवर्ड गड़बड़ है तो मेरे को यहाँ पे शो करना चाहिए, तो उसको भी काम करेंगे हम लोग लेटर ऑन. आज का जो वीडियो है उस पर वापस आते हैं. ठीक है, लॉगिन हो गया, एडमिन में गया, यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक नहीं हुआ, कभी माउस में क्लिक नहीं होता है, तो लेट्स. और लोडर भी कुछ ऐसा आ नहीं रहा है. ठीक है, इस लोडर है, यहाँ पे डाला लोडर, पर आई थिंक जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तभी लोडर आना चाहिए. उसके पहले एक चीज़ है, मैंने बेस कैटेगरी का भी थोड़ा बहुत काम कर दिया है. ठीक है, अब मैंने बोला था बेस कैटेगरी का आपको यहाँ पे लिख के दिखाना है, सब कुछ करना है, तो मैंने सिंपल सा एक बना दिया बेस कैटेगरी का. अभी के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, सेम कैटेगरी जैसे बनाते हैं रोल पे जैसे काम करा था, कार्ड ऑपरेशन सेम है. थोड़ा बहुत मैंने काम किया, अभी थोड़ा सा मेरे को और काम करना है. ठीक है, प्रोडक्ट वाले में जाता हूँ. उसके पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं भूल गया था दिखाना आपको. ठीक है, वो मैं एक सीके एडिटर से वापस आता हूँ. उसके पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं बोलूँ थोड़ा सा बग था हमारे एक जगह पे, तो उसको मैं सही कर देता हूँ. मैंने सही कर दिया था ऑब्वियसली, अगर आपको दिखाने के लिए मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है इसको रीलोड कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, बाकी इसको हटा देते हैं. डुप्लीकेट में अभी के लिए यहाँ पे URL भी डाला है, होम का डाल देंगे, कोई इशू नहीं है, डाल देंगे यहाँ पे. शॉप में जाता हूँ मैं, लोडर का बहुत देखो यार, लोडर डालना पड़ेगा आपको. ठीक है, देखिए लोडर डालना पड़ेगा, मैं भी डाल दूंगा लोडर अभी के लिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं. ठीक है, एक गड़बड़ी क्या की थी मैंने, जब मैं यहाँ पे फिल्टर डालना हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फिल्टर डाला, यहाँ पे इस तरह से फिल्टर मार दिया मैंने, अभी तो सही है. दूसरी बार मैं फिल्टर जब मारूंगा फिर से बिना कुछ चेंज करके, मैक्सिमम पर बिना चेंज करे, तो मेरा क्या हो रहा था, यहाँ पे ये फिल्टर खिसक के आखिरी में चला जा रहा था. तो उसकी गलती क्या थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फटाक से गलती क्या थी. अभी देख रहे थोड़ा सा मैं जूम करके रखा, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को क्या प्रॉब्लम होती है, उनका बोलना कि मैं फ़ोन में देखता हूँ तो मैं ठीक से देख नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है उनका, तो उनका उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा जूम करके रखूँगा आपसे. अगर आप कमेंट कर सकते हैं कि जूम वाला फीचर कैसा लग रहा है आपको, कि जूम में ज़्यादा सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, कहाँ पर गड़बड़ था ये बता देता हूँ मैं, रेन स्लाइडर आई थिंक सो, या रेन स्लाइडर में यहाँ पे देखेंगे इफ मैक्स वेल लेस देन मॉडल डॉट इनिशियल मैक्स मैक्सिमम प्राइस मैंने की है. पहले मैंने क्या कर दिया था, मैक्सिमम प्राइस, अब मैक्सिमम प्राइस में क्या बोलूँ, मैंने यहाँ पे इनिशियल मैक्सिमम प्राइस कर दिया ये. ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, इनिशियल मैक्सिमम प्राइस जो पहली वाली मैक्सिमम प्राइस होगी वही रहेगी. ठीक है, जो वो अपडेट नहीं हुई है मैक्सिमम प्राइस, तो ये आप यहाँ पे ये मैंने चेंज किया, बाकी मैंने कहीं पे चेंज नहीं किया है. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है, बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं चेंज किया है मैंने, बस एक स्मॉल चेंज करना है आपको, इनिशियल मैक्सिमम प्राइस कर देना. ठीक है, बाकी कोड में कोई चेंज वोज नहीं किया है मैंने, और ये बेस कैटेगरी वैटेगरी बाद में आएंगे, अभी के लिए मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ. और यहाँ पे सबको कोलैप्स ऑल, यहाँ पे कोलैप्स ऑल. ठीक है, सब कुछ कोलैप्स कर दिया. अभी जाएंगे कहाँ पे, लेआउट में, किसके लेआउट में, एरियाज और लेआउट में, एरियाज डैशबोर्ड और लेआउट.
शेयर्ड में जाके लेआउट, पहला वाला लेआउट है। और मैं एक और जगह पे जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा, प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स में लिस्ट सेक्शन है मेरे ख्याल से, लिस्ट सेक्शन में मैं सीके एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। सीके एडिटर में आप देखें ना, सीके एडिटर डॉट रिप्लेस एडिटर इस्तेमाल किया। इस कोड को मैं कमेंट आउट नहीं करूँ, इस कोड को मैं रिमूव नहीं करूँगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहाँ पे सीके एडिटर, इफ यू सी सीके एडिटर, ये मेरा सीके एडिटर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इनके वाले साइट पे, किसके साइट पे, इसके ऑफिशियल साइट पे। इन्होंने अपना एक एडिटर डाल के रखा है, ये वाला स्क्रिप्ट दिया है लेटेस्ट वर्जन, तो इसको उठाते हैं। और इधर जाके इस सीडीएन को क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग अपना नया वो भी इस्तेमाल करेंगे, क्या अपना खुद से एक वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यूआई बनाएंगे डैशबोर्ड के लिए, तो वो बनाएंगे, लेटर ऑन बनाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ सीके एडिटर 4, ठीक है। और इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप फालतू के ये जो कमेंट आउटेड है वो सब हटा सकते हैं अपने हिसाब से। और एडमिन डॉट स्क्रिप्ट ये क्या दिया है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी पता नहीं मुझे, मैं डिलीट कर दूँ तो हो सकता है कुछ इशू आ जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने स्वीट हेडर भी नीचे डाल के रखा है, ठीक है। या आप स्वीट हेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। तो क्या करूँगा मैं, ये तो मेरे को वेयर इज दैट सीके एडिटर, ये देखिए एडिटर डाला, आईडी डाला, ठीक है। वापस जाते हैं यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, आईडी डाल के रखी, इन्होंने क्या डाला, एडिटर एडिटर 1, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, एडिटर 1 को इस्तेमाल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये उठाता हूँ मैं इधर से, ठीक है, ये उठाया, ओ कहाँ गया, इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे एडिटर 1 है तो एडिटर 1 ही रखते हैं, आईडी डली हुई है, बाकी कुछ हम लोग करेंगे नहीं। नीचे आते हैं, सबसे आखिरी में आते हैं, स्क्रिप्ट टैग है ना, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग मैं डाल दूंगा। मैं अलग अलग स्क्रिप्ट टैग कभी कभी बना देता हूँ, कभी कभी एक ही बना देता हूँ, तो ऐसा कुछ। ये क्या, ओके कंट्रोल जेड करता हूँ। अच्छा मैंने स्क्रिप्ट टैग से उठाया, आप सही है, कोई इशू है, कोई इशू नहीं है। और ये एडिटर 1 की जगह पे एडिटर 1 कर दूंगा, ठीक है। आईडी है, आईडी डाली थी मेरे ख्याल से, और इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, आई डोंट नीड इट। ये डाल दूंगा सीके एडिटर 4 के, सीके एडिटर 4, ठीक है। और ये क्या है, सीके एडिटर 5, एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, जो कभी कभी एरर भी दिखाता है, सही हो जाता है, कोई इशू नहीं है। सीके एडिटर ये देखिए, ये एडिटर 1 डाल दिया, और यहाँ पे मैंने कहाँ पे, कहाँ गया मेरा, अरे डिस्क्रिप्शन कहाँ है, ये देखिए आईडी एडिटर 1 डाल के रखा, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, बाकी मैंने कहीं पे सेव नहीं, चेंज नहीं किया, कंट्रोल शिफ्ट भी कर देता हूँ सेवर साइड के लिए। लेआउट साइड में चलिए चेंज किया, आई डोंट थिंक लेआउट में भी कुछ करने की जरूरत थी, बिल्ड की कुछ चेंजेस किए मैंने, आपको देखना पड़ता है। आपको जब भी आप कुछ नया चीज़ें कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, उनके साइट में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप गूगल में बहुत सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। सबसे पहले चेंज किया, आईडी को एडिटर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, एडिटर को आईडी को एडिटर कर दिया इंस्टेड ऑफ एडिटर 1, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया, यहाँ पे देखना है, लेट एडिटर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, लेट, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, क्वेरी सेलेक्टेड डॉट हैश एडिटर डॉट देन न्यू एडिटर डाला, और उसको कैसे कर दिया मैंने, यहाँ पे करके एरर फंक्शन बना के, एडिटर, ये जो एडिटर है इक्वल टू न्यू एडिटर, ठीक है, और कंसोल लॉग में वो कर दिया। बाकी मैंने फॉर ईच की जगह पे क्या किया है, सिंपल हैश एडिटर डॉट वैल एडिटर डॉट गेट डेटा, ठीक है। एडिटर डॉट गेट डेटा वो फंक्शन होगा, एडिटर क्या है मेरा, जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया था एडिटर, उसी को न्यू एडिटर कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। एडिटर डॉट गेट डेटा कर दिया, और इसको वैल को पता है आप, मैं उस आईडी को अटैच कर दे रहा हूँ ताकि मैं फॉर्म डॉट सीरियलाइज में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो डेटा को अलग अलग करके भी कर सकता हूँ, बट वो गलत तरीका है, क्योंकि मेरे पास फॉर्म है, तो फॉर्म से मैं डायरेक्टली सबको अटैच कर दूंगा, सीरियलाइज कर दूंगा, ये तरीका होता है, ठीक है।
वापस जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी सेव कर दिया एक बार, एक और बार सेव कर देते हैं ठीक है। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो डीबगर था, आई वोंट नीड अ डीबगर फॉर नाउ, डीबगर हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा बहुत सारे साइटों में क्या करते हैं, डीबगर कंसोल लॉग जिसे हटाते नहीं है प्रोडक्शन में भी, भाई ये बहुत गलत तरीका है ठीक है। आपको समझना पड़ेगा डेवलपर्स, व्हेन यू आर डेवलपर यू शुड नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आपको ये डिबगर्स और ये कंसोल चीजें प्रोडक्शन में रिमूव करना पड़ता है। आपको एक बड़े साइट देखेंगे जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया, वो लोग डिबगर और ये चीजें रखते नहीं है ठीक है, ये सब चीजें उनको पता है, वो लोग हटा देते हैं। टीटी की जगह पे टीएफटी कर देता हूँ ठीक है, एलईडी टीएफटी, और यहाँ पे इसको मैं क्रिएट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, लोड हो रहा है चला गया, और मैं इसको एडिट पे क्लिक करूंगा, लोड हो रहा है थोड़ा सा, टीएफटी आ गया ठीक है। तो इस तरह से मैंने सीके रीडर को इंटीग्रेट कर दिया और एक नया वर्जन सीके रीडर पे आ गया। क्या क्या चेंजेस किए वो थोड़ा करने से पहले थोड़ा सा चेंजेस बता देता हूँ मैं, क्या क्या चेंजेस किए हैं मैंने ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम लोग, लेआउट आपको पता है, शेयर्ड लेआउट में, शेड में, लेआउट में सबसे पहले मैंने क्या किया, सीके एडिटर का नया वर्जन, नया वाला सीडीएन डाल दिया है, पुराने वाले को हटा दिया है मैंने। दूसरे एक चीज की है, आईडी को मैंने एडिटर की जगह पे, एडिटर वन की जगह एडिटर कर दिया। आप आईडी कोई भी रख सकते हैं, आप आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है, ज्यादा कुछ टंडा नहीं है। और ये रिप्लेस एडिटर वाले को हटा दिया, इसके जगह पे मैंने ऑफिशियल साइट जो है इनकी ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, ये बहुत ही अंदर कहीं पे इन्होंने डाल के रखा है ये सीके एडिटर का, यहाँ पे ये कोई कहीं पे मिल जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। ये यूआरएल मैच यूआरएल देख लीजिए, ये वाले यूआरएल पे जाना है आपको ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो दिया है वही हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, लेट एडिटर डाला है, क्लासिक एडिटर डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे आईडी अपनी जो एडिटर है डॉट, देन न्यू एडिटर कर रहे हैं, फिर कॉमा डाल यहाँ पे करके एडिटर डॉट इक्वल टू न्यू एडिटर, और कैच में कंसोल डॉट एरर कर दिया मैंने। अब ये एडिटर को ध्यान में रखना है जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, क्योंकि इसको मैं यूज करूँगा कहाँ पे, जब मैं यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन में यहाँ पे एडिटर जो हमारी आईडी वाली है डॉट वैल एडिटर डॉट गेट डेटा, ये फंक्शन होता है इन्होंने इनका, तो ये इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद सीरियलाइज कर दूंगा मैं सबको, सीरियलाइज करने के बाद आपको पता है यहाँ पे जाएगा सब कुछ, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सीके एडिटर को इंटीग्रेट कर दिया, और आने वाले टाइम में लोडर भी अच्छे से बनाएंगे। एक लोडर हम लोगों ने स्ट्रिपर इस्तेमाल किया यहाँ पे साइड में, उसका थोड़ा सा एक लफड़ा है, लफड़ा क्या है यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों का लेआउट शिफ्टिंग हो जा रही है। आप देख रहे हैं जब मैं रीलोड करूंगा यहाँ पे, ये मेरा साइड में लोडर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा साइड में देखिए लोडर आ रहा है, तो ये इसका इधर जगह, फिर वो लेआउट शिफ्टिंग हो रही थोड़ी सी, ये अच्छा तरीका नहीं है। मैं क्या करूंगा, लोडर अच्छा सा एक लोडर बनाऊंगा, बीच में लोडर आएगा काला, बाकी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा ताकि देख भी नहीं पाए। तो इस तरह से हम लोग करेंगे काम, लोडर पे भी काम करेंगे। अभी के लिए सीके एडिटर को इंटीग्रेट कर दिया, आने वाले वीडियो में एक थ्रोबैक वीडियो और आ जाएगा इमेजेस अपलोडिंग करने का, सही है। तो मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में, और बाकी एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप हमेशा ये चीज ध्यान में रखें कि लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें, नया वर्जन इस्तेमाल करें, पुराने वर्जन इस्तेमाल ना करें। एंगुलर का भी बना रहे हैं तो एंगुलर का 13 वर्जन इस्तेमाल करें, फिफ्थ वर्जन फोर्थ वर्जन इस्तेमाल करें, कोई फायदा नहीं होगा, आप ही का नुकसान है ठीक है। रिएक्ट भी इस्तेमाल करें तो रिएक्ट का नया वर्जन इस्तेमाल करें ठीक है। ASP.NET कोर इस्तेमाल करें तो 6 वर्जन इस्तेमाल करें, रादर देन यूजिंग द 3 वर्जन और 5th वर्जन, क्योंकि 5th वर्जन तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो उसका सपोर्ट हट ही गया है उन लोगों का। 6th वर्जन इस्तेमाल करें ठीक है, हमेशा नया वर्जन के इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन।